इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो फोर्सेस है दो या दो से अधिक चार्जेस के बीच में, वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर हम कूलम लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग करेंगे, ताकि जो फोर्स काम कर रहे हैं दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, जब दो या दो से अधिक चार्जेस, जैसे मान लीजिए हमारे पास Q1 से लेकर Qn तक चार्जेस है, दो से अधिक है, और हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं किसी मान लीजिए एक चार्ज पे, तो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है, जब एक से ज्यादा कोलंबियन फोर्स काम कर रहा होता है किसी चार्ज पे, तो जो फाइनल या रिजल्टेंट कोलंबियन फोर्स होता है जो काम कर रहा है, वो बराबर होता है वेक्टर सम के। इंडिविजुअल फोर्सेस लीजिए, उनका वेक्टर सम कर दीजिए, फाइनल फोर्स आ जाएगा। यानी कि जो कोलंबियन फोर्स काम कर रहा है दो चार्जेस के बीच में, वो तीसरे चार्ज के कारण इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो कोलंबियन फोर्स हमेशा टू बॉडी, अगर मैं Q1 और Q2 यहां पर लिखूं, तो इनके बीच में जो काम कर रहा है वो Q3 से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये जो कोलंबियन फोर्स है वो दो बॉडीज के बीच में काम कर रहा है। हम Q1 से लेकर Q4 तक चलते हैं, चार हम चार्ज ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 है, और सबके हमने पोजीशन वेक्टर भी ले लिए। Q1 का R1 है, यहाँ पर आप ये R1 देख पा रहे हैं, ऐसे ये R2 है, ऐसे R3 है, और ऐसे R4 है, ये पोजीशन वेक्टर है। अब हम एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे जो काम कर रहा है Q2 पे। इस Q2 पे रिजल्टेंट फोर्स क्या काम कर रहा है ये निकालना हम चाहते हैं। Q2 है तो F2 मान लेते हैं, क्योंकि सबस्क्रिप्ट लिखा Q2 है, तो हम F2 निकालने की कोशिश करेंगे। अब जो फोर्स लग रहा है चार्ज Q2 पे Q1 के कारण, वो क्या होगा, इस मतलब Q2 का Q1 से पहले लेते हैं, वो क्या होगा, F21 लिखते हैं इसको। Q1 का मतलब ये, F21 का मतलब ये होता है कि चार्ज Q2 पे Q1 के कारण क्या फोर्स लग रहा है, तो होता है के Q1 Q2 बाय R21 होल स्क्वायर बाय R1 कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब Q2 पे Q3 के कारण क्या होगा, इसी चीज को हम आगे बढ़ा लेंगे। Q2 पे Q3 के कारण क्या लग रहा है और Q2 पे Q4 के कारण क्या लग रहा है, ये सब चीजें हम लिख लेंगे। तो F23 टू पे थ्री के कारण क्या लग रहा है वो ये हो जाएगा, टू पे फोर के कारण क्या लग रहा है वो ये हो जाएगा। यहाँ पर Q2 Q3 आएगा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर Q2 Q4 आएगा, और R24 और R23 इसके पोजिशन वेक्टर होंगे, साथ में आपके यूनिट वेक्टर्स भी हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको F2 निकालना है, मतलब ये इस पे फोर्स निकालना है, तो आप Q1 के कारण क्या लग रहा है, Q3 के कारण क्या लग रहा है, Q4 के कारण क्या लग रहा है, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, तीनों को यहाँ पर जोड़ दिया, ये सब निकाला, ये और जो पिछले वाला था इनको जोड़ दिया। इसमें क्या है कि Q2 तो कॉमन रहेगा, क्योंकि Q2 पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं, और K भी कांस्टेंट है, तो K Q2 को बाहर ले लीजिए, साथ में आपका जो बच जाता है वो ये संख्या आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा लगाते हैं, और एक से लेकर हम चार तक जा रहे हैं, लेकिन इसमें दो नहीं लेंगे, जे नॉट इक्वल टू टू लिया, मतलब एक से चार तक जाएंगे, यानी एक दो तीन चार यहां तक जाना है हमें एक से चार, लेकिन जे इक्वल टू टू मतलब टू नहीं लेंगे, क्योंकि टू पे ही तो निकालना ही है, और R2J, तो J में भी J भी वेरी करेगा एक तीन चार तक। ये इस पूरे को एक छोटे तरीके से सिंबल तरीके से लिखने का तरीका है। अब F2 क्या बना, K Q2, और ये चीज तो चली रही है। अब देखिएगा ये जो R2J है, यानी कि R2J, ये तो पोजिशन वेक्टर है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये आपका R2J। अब हम जानते हैं इसको हम कैसे लिख सकते थे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसमें हम क्या करते थे कि आर जैसे R2J है, तो R2 - RJ ऐसे लिखते थे, बाय मॉड ऑफ R2 - RJ इस तरीके से करते थे। तो यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पर रख देंगे, तो इसके साथ ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये R2 - RJ का क्यूब हो जाएगा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जनरल अगर आप बात करें, तो जो फोर्स काम कर रहा है किसी भी QI पे, जो हमारा इस बार इस एग्जाम्पल में Q2 था, किसी QI पे कितने भी N इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हो, तो उसकी संख्या बनेगी Fi KQI सिग्मा J21। इस J को I नहीं लेंगे बस, मतलब क्योंकि I पे तो फोर्स निकालना ही है, QI बाय RIJ होल स्क्वायर, फिर इसका यहाँ यूनिट वेक्टर।
इसको और थोड़ा एग्जाम्पलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आए जो कि हमने यहाँ दिखाया, तो ये आई स्किल इसलिए किया क्योंकि ये जनरलाइज हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर फोर्स होगा। तीन आपके इक्वल चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, ये आपके ट्राइंगल के तीन कॉर्नर में रखे गए हैं और ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक साइड तीन है, एक साइड चार है, एक साइड पांच। तो यहाँ क्यू वन रखा गया, यहाँ क्यू थ्री रखा गया, यहाँ क्यू टू रखा गया। अब आपको फोर्स निकालना है ऑन दी चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर, इसका मतलब ये है राइट एंगल कॉर्नर कौन सा है, वो ये है इस जगह पे, इस जगह पे निकालना है नेट फोर्स आपको क्यू वन पे निकालना है बेसिकली। तो अब देखिए सबसे पहली बात, तीनों जो चार्जेस आपको दिए हैं जो यहाँ यहाँ रखे क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री, ये आपके तीनों बराबर हैं, क्यू इसको लिख लेते हैं, ये इसकी संख्या दी हुई। आर वन आर टू आर थ्री इसके पोजिशन वैक्टर है, पोजिशन वैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे आर वन लीजिए, आर वन यहाँ से यहाँ तक आपका आर वन होगा, ये कितना है एक्स इसका जीरो है, अच्छा आर वन तो यही हो गया है ना, आर वन मतलब क्यू वन का क्यू वन से दूरी क्या हुई जीरो जीरो। लेकिन जब आर टू की बात करेंगे आप यहाँ से यहाँ तक आप जब जाएंगे इस जगह पे, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक्स फोर है वाई जीरो है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं 0.040। अब इस पॉइंट की बात करें आर थ्री की, इस जगह की बात करें तो आपका ये पॉइंट क्या होगा, ये आपका होगा एक्स तो इसमें जीरो है वाई थ्री है, इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। अब क्यू वन आपका इस पे रखा है तो क्यू वन पे फोर्स निकालना है, तो क्यू वन का फोर्स जो क्यू थ्री के कारण है, क्यू वन का फोर्स जो क्यू टू के कारण है, ये दोनों निकालेंगे और जोड़ देंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को लेके। तो एफ वन क्या आएगा, एफ वन आएगा एफ वन टू ये और ये, और एफ वन थ्री ये और ये, ठीक। तो ये एफ वन टू क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर वन टू होल स्क्वायर, और या साथ में पोजिशन वैक्टर इसकी यूनिट वैक्टर। इसके अलावा ये एफ वन थ्री होगा क्यू वन क्यू थ्री बाय आर वन थ्री। तो ये k क्योंकि ये दोनों q है, ये भी q है, ये k है, इसको कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, q1 q2 बराबर k q है, बचेगा केवल ये। अब देखिएगा r1 माइनस आर वन टू क्या होता है, r1 माइनस आर टू यानी 0 0 माइनस 0.04 माइनस 0, ये हमारा पोजीशन वेक्टर निकलते हैं। r12 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, ये आ जाए। इसी तरीके से जो यूनिट वैक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आर वन माइनस आर टू यानी कि ये संख्या डिवाइडेड बाय इसका मॉड, यानी कि आपका ये अलग से डिवाइड करेंगे, ये अलग से डिवाइड करेंगे, माइनस वन जीरो आएगा। इसी तरीके से आर वन थ्री करना चाहें तो आर वन क्या है जीरो जीरो, मतलब ये पोजीशन जीरो जीरो है आपकी, और आपकी ये जो पोजीशन है ये वाली आपकी जीरो, और मीटर में 0.003। तो इसका आर वन माइनस आर थ्री करेंगे तो जीरो माइनस जीरो ये जीरो आएगा, और जीरो माइनस 0.03 माइनस 0.03 आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको स्क्वायर करिए, इसको स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ के अंडर रूट कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो आर वन माइनस आर थ्री करेंगे, यानी कि बकायदा ये वाली चीज आप लिख लेंगे पहले, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 0.03 से डिवाइड कर देंगे, इसको एक अलग से डिवाइड करेंगे, इसको अलग से डिवाइड करेंगे, 0 by 0.03 जीरो आएगा, माइनस 0.03 by 0.03 आपका माइनस वन आएगा। अब ये सारी चीज आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, यहाँ रख देंगे ये वाली इक्वेशन, यहाँ रखते ही आप सारी वैल्यू रखेंगे, आप देखेंगे कि जो आपकी एफ वन आया है वो इतना आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ध्यान रखिएगा ये हमेशा इस फॉर्म में आएगा क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, एफ वन पे एफ वन टू भी काम कर रहा है, एफ वन थ्री भी काम कर रहा है, इस तरीके से आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए और अंडर रूट ले लीजिए। डायरेक्शन निकालना है तो ये एफ वाई है, ये एफ एक्स है, यानी एफ वाई बाय एफ एक्स निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स थीटा निकालना चाहें तो टेन इनवर्स एफ वाई बाय एक्स दिस बाय दिस, तो ये आपका टेन इनवर्स एंगल आएगा। इसको आप टेबल से देखेंगे तो आपके पास 60.6 डिग्री आएगा। ओके, ये थीटा जो एंगल होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये आपका सॉल्यूशन है इसका। दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 8 माइक्रो कूलम माइनस 2.0 माइक्रो कूलम, ये सेपरेटेड है 20 सेंटीमीटर से, मतलब यहां से यहां जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है। अब तीसरा चार्ज कहां रखना है इसका सवाल है, ऐसा इस जगह पर रख दीजिए तीसरा चार्ज ताकि जो रिजल्टेंट फोर्स हो इस पे जो लग रहा है Q2 पे, मतलब Q2 Q1 के द्वारा एक Q2 पे फोर्स लग रहा होगा, Q2 पे Q3 द्वारा एक फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों फोर्सेज ऐसे लगे और इस पोजीशन पे इस Q2 को रखा जाए कि रिजल्टेंट फोर्स इसका जीरो हो जाए। तो हम एक फो एक Q1 को Q8 ले रहे हैं, एक आपका Q2 आपका Q2 ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो तीसरा फोर्स तीसरा है हमको पता नहीं, हम यहाँ बोलते हैं कि इसको हम यहाँ रखेंगे। अब मैंने जैसे अभी आपको सवाल पढ़ते पढ़ते बताया कि हमने यहाँ रखा,
तो उसमें दिक्कत ये है कि क्योंकि ये फोर्सेस हमको, हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। यहां पर इसको रखने का भी अभी सॉल्यूशन में इसको बताऊंगा आपको, हमको इसको कहीं यहां रखना पड़ेगा ताकि इसका रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो हो। किस लिए अभी समझ में आएगा आपको। पहले शुरुआत करते हैं कि हम इसको यहां रखते हैं इस जगह पे, यानी कि यहां से यहां तक दूरी जो हमें दिए हुए हैं उनके Q1 और Q2 के बीच में दूरी तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जो Q3 रखा हमने इसको मान लीजिए x डिस्टेंस पे रख दिया Q2 से, तो 20 ये हो गया x, ये हो गया यानी कि 20 + x ये दूरी होगी, 20 + x आपकी ये दूरी होगी। तो दो पॉइंट्स हो गए आपके Q1 और Q2 के यहाँ पर, और वो A और B है। रिजल्टिंग फोर्स जो Q3 पे लग रहा है वो हमको बताना है कि जीरो है। अगर फोर्स दो चार्जेस के बीच में वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड के, अपोजिट होंगे डायरेक्शन के, तभी तो जीरो आएगा। ये तभी हो सकता है जब हम इसको इसी लाइन पे रखें और इससे अवे रखें, यानी कि जो थर्ड चार्ज है वो इनके बीच में रखा नहीं जा सकता, इनके बीच में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। इसलिए हमारे यहाँ समस्या जो उत्पन्न हुई उसको हमने सॉल्व कैसे किया, हमने Q3 को यहाँ रखा, जो क्योंकि मैग्नीट्यूड भी देखिए आपका Q1, Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q1 8 माइक्रो कूलम्ब, और ये उससे बहुत कम है, -2 है, तो इसको Q2 के करीब रखना पड़ेगा आपको। यानी कि जो थर्ड चार्ज है वो आपके इस B के करीब रखना पड़ेगा आपको, ना ना कि आप इस तरफ इसको, आप ये भी तो कह सकते थे यहाँ क्यों नहीं रखा आपने, उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये चार्ज कम है, ये चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा इसको। अब मान लीजिए हम इसको जो सी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर सी डिस्टेंस पे रखते हैं, हम कह रहे हैं कि ये बी और सी आपका एक्स है, तो ये अगर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक्स है, इधर से इधर तक मैं मानता हूँ एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपका 20 + x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये 20, ये एक्स माना, ये 20 + x हो गया। ये Q1 यहाँ है, Q2 है, Q3 यहाँ रख दिया। तो अब शुरुआत करते हैं अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, जो F3 पे फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, तो ये अगर 3 है तो एक तो F3 1 हो जाएगा 3 पे 1 के कारण, और एक F3 2 हो जाएगा 3 पे 2 के कारण। अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं, हमें ये फोर्स 0 चाहिए तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ पर के Q1 Q3 बाय R+x2, R+x2, R आपको पता है 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 20 + x, जैसे मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक, और इसके बीच में क्या दूरी है x, तो Q2 Q3, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, बाय x2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज भी है, 20 भी है, और ये माइनस साइन लगा के हम इसको एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। एक्स आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है आपकी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये इसका सोल्यूशन है। दो स्फीयर हैं आपके, उनका रेडियस सेम है, मास भी सेम है, इसको सस्पेंड किया गया दो स्ट्रिंग से जिनकी लेंथ भी इक्वल है, और सेम पॉइंट से इनको सस्पेंड किया गया इस तरीके से कि जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। अब क्या किया गया कि इतना करीब 4 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज इतना इन पे डिपॉजिट किया गया, जैसे डिपॉजिट किया गया ये एक दूसरे को रिपल करने लगे, यानी कि ये जो आपस में टच कर रहे थे, अब ये इधर चले गए, ये इधर चले गए, यानी कि ये इधर आ गए और ये इधर आ गए, क्योंकि इन पे चार्ज आ गया, रिपेल करने लगे, और रिपेल करके वो कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। यदि डिस्टेंस जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है सेंटर से, अगर इसका डिस्टेंस ले तो 20 सेंटीमीटर है, इसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक एल की भी बात कर ले तो आपका 20 सेंटीमीटर है। आपको मास निकालना है हर एक स्फीयर का, आपको के दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। अब देखिए क्योंकि स्फीयर जो है ये पूरी पूरी तरीके से एक जैसे हैं, तो अगर 4 × 10⁻⁷ का चार्ज इसमें दिया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि दोनों एक जैसे हैं, तो 4 × 4 × 10⁻⁷ अगर दोनों को दिया गया तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻⁷ इस पे इसके पास आ जाएगा, 2 × 10⁻⁷ इसके पास आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर एक स्फीयर है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों वो रिपेल कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है अभी बिल्कुल, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में यहाँ पर तैनात है, तो इस पे फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे, देखिए एक तो ये टेंशन लग रहा होगा स्ट्रिंग का, ये थीटा मान लीजिए, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये टी है, तो ये इसका कॉस कॉम्पोनेंट होगा, टी कॉस थीटा, ये इसका साइन कॉम्पोनेंट होगा, कहने का मतलब
अगर ये टी है, ये थीटा है, तो ये टी कॉस थीटा होगा और ये आपका टी साइन थीटा होगा, ये हो गया। इसके अलावा यहां पर एम जी लग रहा होगा इस पर, तो इसको इक्वेट करते हैं, टी साइन थीटा आपका हो जाएगा, ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो टी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, रिपेल कर रहे हैं तो ये इस तरफ लग रहा है। तो एफ ई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है या चार्ज के कारण जो फोर्स है, वो होगा टी साइन थीटा के बराबर, टी कॉस थीटा बराबर होगा एम जी के। तो वेट एम जी ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एफ ई आपका रिपल्सिव फोर्स है, टेंशन टी लग रहा है। बैलेंस कंडीशन में अगर आप एक्स और वाई कंपोनेंट को ले तो एफ ई आपका टी साइन थीटा के बराबर होगा, जो कि पहली इक्वेशन ये बन गई। एफ ई आप जानते हैं के इंटू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू वन क्यू टू बराबर है तो के क्यू स्क्वायर लिख दीजिए इसको। आर आपका इसका डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो इनके बीच में है वो एक्स है, तो के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू स्क्वायर बाय आपका एक्स स्क्वायर कर दीजिए इसको, ये टी साइन थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से टी कॉस थीटा ये एम जी के बराबर हो गया, इसको भी बराबर कर दीजिए, राइट। अब इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे कैसे, दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ टेन थीटा आ जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड करेंगे तो ये संख्या आएगी। इससे एम एक जगह ले लीजिए, बाकी दाएं हाथ पे रख दीजिए। यहां तक आते आते आप देखिए हमारे पास एक चीज और आ गई, क्योंकि अब इसमें हम कहीं ना कहीं हमको लेंथ लेके आना है, हमको लेंथ लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए, ये जो है यहां पर हम साइन थीटा अगर निकालें तो क्या आएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, यहां से यहां तक, यानी कि ये पूरा एक्स है, ये कितना होगा एक्स बाई टू, और ये हाइपोटेन्यूज इतना है, ये तो एल है, लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये हो जाएगा एक्स बाय टू बाय एल। तो एक्स बाय टू बाय एल यानी एक्स बाय टू एल साइन थीटा हो जाएगा। तो एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, टू एल साइन थीटा, यानी कि एक्स हमारे पास नहीं था लेकिन एल हमारे पास था, तो एक्स को एल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये काम किया, एक्स इक्वल टू टू एल साइन थीटा होगा। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसकी जगह हम टू एल साइन थीटा रखेंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास सारी संख्याएं आ गई, हमारे पास के है, क्यू है, जी है, फोर है, एल एल भी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा थीटा हमारे पास क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 डिग्री दिया हुआ था, ये जो आधा है तो ये 30 डिग्री होगा, तो थीटा हम 30 डिग्री लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास इतना के जी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज क्यू जीरो अगर हम कहीं रखते हैं और कोई और पॉइंट चार्ज है क्यू, तो क्यू जीरो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता है इस क्यू पे, क्यों कैसे, अगर हम इस क्यू जीरो को हटा दें तो सराउंडिंग में क्या होगा, क्या कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ नहीं है तो किस तरीके से ये फोर्स काम कर रहा है क्यू जीरो पे। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप कहते हैं ना, ये जो इंसान है ना, इसकी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, बहुत अच्छा इंसान है, या ये आदमी ठीक नहीं है, इसकी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। नेगेटिव एनर्जी क्या है, एक आदमी है वो अपने सराउंडिंग में एक ऑरा बनाता है, एक ऑरा बनाता है, उससे पता लगता है कि ये अच्छा है बुरा है। ऐसे आप जनरल बात कर रहा हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। इसी तरीके से जब चार्ज रखते हैं तो वो अपना एक ऑरा बनाता है, अपना एक पावर बनाता है, एक फील्ड बनाता है आसपास। तो एक चार्ज अपने आसपास कुछ इफेक्ट लेके आता है, तो जो रीजन है जिस एरिया तक उसका चार्ज रहता है, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उस चार्ज की। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कोई और चार्ज आपने जैसे क्यू जीरो क्यू के पास रख लिया, अगर क्यू यहाँ पर आपने लिखा, मान लीजिए क्यू है और एक क्यू जीरो लेके आए, तो यहाँ पर इसको नहीं मिल रहा है कुछ, लेकिन जब यहाँ पर लेके आए आप, तो ये कुछ इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा, राइट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक तरीके से आपकी एजेंसी है जो क्यू और क्यू जीरो के बीच में काम कर रही है। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज क्यू है, उसको हमने ओरिजिन पे रख दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब एक क्यू जीरो चार्ज क्यू सब जीरो लाइए आप उसके पास, क्यू को डिस्टर्ब मत करिए, लेकिन क्यू जीरो को उसके पास ले आइए। यदि जो पोजिशन वैक्टर है आर मान लीजिए इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगी जो फोर्स है और इसको डिवाइड करेंगे आप क्यू जीरो से, जो आपने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया और इसके इसके बीच में क्या दूरी है। तो ई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं इस चार्ज क्यू की, जिसकी पोजिशन वैक्टर आर है,
जो क्वांटिटी ई आप देख रहे हैं इसका क्यू जीरो से कुछ लेना देना नहीं है, इसका कोई, ये तो अपने अपना यहाँ पर अगर क्यू रखा हुआ है तो वो किस एरिया तक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रही है वो उस पर डिपेंड करता है, चाहे आप क्यू जीरो ले आए कोई और ले आए, ये केवल इस पर डिपेंड करता है कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वो इस सिस्टम में इसके कारण कितना है, उसका अरेंजमेंट कितना है और उसका पोजिशन वैक्टर कितना हो सकता है। ये जो आर पोजिशन वैक्टर है यहीं तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पर ना हो या बिल्कुल ही ना हो। तो जो चार्ज Q0 है इसको हम यूज करते हैं जस्ट कि हम डिफाइन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो इंटेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसी को हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, इस पर डिपेंडेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपिटल Q की। तो जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है या चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको हम सोर्स चार्जेस कहते हैं। ऐसा यूनिट में जो यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की न्यूटन पर कूलम है, और वोल्ट मीटर में चाहें तो वोल्ट पर मीटर है। और अगर हम इस इक्वेशन में, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर कुछ संख्याएं रखें, जैसे अगर आप क्यू जीरो वन कूलम रखें तो ई और एफ बराबर हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो इससे एक हमारी डेफिनेशन निकलती है कि फोर्स जो काम कर रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब हमने कहा ई इक्वल टू एफ बाय क्यू जीरो, क्यू जीरो को हम कह रहे हैं वन, हम इसको वन कूलम ले रहे हैं, जो यूनिट इसको यूनिट कह रहे हैं, तो फोर्स जो काम कर रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो आपने पॉइंट चार्ज रखा क्यू, उसको हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कहते हैं उस पॉइंट पे। वो पॉइंट कितना है, आर दूरी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो फोर्स का डायरेक्शन बताती है जो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे काम कर रहा है किसी एक पॉइंट आर पे। एक से ज्यादा अगर चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन हम कूलम लॉ से निकालेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे। अब आप देखिए हमारे पास Q1 से लेकर Qn तक बहुत सारे अलग 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 चार्जेस हैं, इनके सबके पोजिशन वेक्टर R1, R2, Rn तक दिए हैं, और ये सब रिलेटिव है इस ओरिजिन से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस रीजन में अब किसके द्वारा बन रही है, क्योंकि इसमें पूरा सिस्टम है चार्ज का, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए किसी एक्स वाई जेड पी पोजीशन पे, जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू जीरो इस पॉइंट पे रख देंगे और हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज क्यू जीरो रखा और अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाने वाले। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इस पॉइंट पी पे क्यू वन के कारण क्या होगा, ये तो हमें फॉर्मूला पता ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एफ वन बाय क्यू जीरो, ये फोर्स आपका एफ वन एफ टू हमने लिए, और क्यू जीरो हमारा हमेशा कॉमन रहेगा क्योंकि टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है। तो एफ वन क्या होगा, के क्यू वन, अब दूसरा तो वन होना चाहिए था क्योंकि क्यू जीरो हम कह रहे वन है ना, तो के इंटू क्यू वन, यहाँ पर क्यू टू आपका वन हो जाएगा और यह आपका पोजिशन वैक्टर हो जाएगा क्योंकि हम आर वन की बात कर रहे हैं, आर माइनस आर वन और आर माइनस आर वन, क्योंकि हम इसका यूनिट वेक्टर हटाना चाहते हैं, तो आर माइनस आर वन बाय आर माइनस आर वन होल क्यू, ये मैग्नीट्यूड इसका। इसी तरीके से पॉइंट पी पे क्यू टू के कारण ये हो जाएगा ई टू इक्वल टू एफ टू बाई क्यू जीरो। इसी तरीके से क्यू एन के कारण क्या होगा, आखिरी वाला ले लीजिए, बहुत सारे बीच में है, क्यू एन ले लेते हैं, ई एन हो जाएगा एफ एन बाई क्यू जीरो, यानी कि ये क्यू एन आएगा आर माइनस आर वन, ये आर माइनस आर वन आर 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 एन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे तो इनको इसको इसको सबको जोड़ दीजिए, यानी ई वन को ई टू से जोड़ दीजिए, ई थ्री से जोड़ दीजिए, चलते चले जाइए ई एन तक, सबको जोड़ दीजिए, आपका ये समीशन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या आपको कांस्टेंट मिल रहा है, केवल के कांस्टेंट मिल रहा है, के बाहर ले लीजिए सिग्मा लगा के, जे को वन से लेकर एन तक, मतलब ये वन से लेकर वन टू थ्री ऐसे करके एन तक वेरी करिए, तो क्यू जे ये भी वन से लेकर एन तक वेरी हो रहा है, तो यहाँ पर क्यू जे आएगा, यहाँ आर माइनस आर वन आर टू आर एन है तो आर जे आएगा, यहाँ आर वन आर टू आर थ्री है तो आर जे आएगा। तो Q1, Q2, Qn इसमें ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। कुछ चीज़ें बहुत नोटवर्दी हैं, हमें समझनी चाहिए, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओरिजिनल सिस्टम जो चार्ज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, जैसे Q0 लेके आ रहे हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत बहुत कम होना चाहिए, वो बाकी को इफेक्ट ना करे। अगर आप
बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू जीरो वाकई में जीरो होना चाहिए, जो कि फॉर्मूले को गड़बड़ा देगा, लेकिन अगर इसकी यूनिक वैल्यू देखें तो ये जीरो ही होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू जो क्यू जीरो की है वो ये कूलम है, एक कूलम जिसे कहते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या बता रही है, ये इक्वेशन बताती है कि जो फोर्स काम कर रहा है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस पॉइंट पे आर एक्स एक्स वाई जेड पे, ये फोर्स बता रहा है। एक बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई तो हमको सोर्स क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक रिप्रेजेंटेशन है, जितने भी उसमें वहां पर आपस में चार्ज काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक बार रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का हो गया तो जो फोर्स काम कर रहा है किसी चार्ज क्यू पे किसी पॉइंट पे रखा है फील्ड पे, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एफ आर इक्वल टू क्यू इंटू ई आर, क्यू की वैल्यू रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करिए, आपको उस पॉइंट पे फोर्स पता चल जाएगा। जो डायरेक्शन है फोर्स का, जो काम कर रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किसी पॉइंट पे, वो डायरेक्शन होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे। फैराडे पहले साहब थे जिन्होंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लाया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फिजिकल रियलिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहां पर देखिए कि हमारे पास एक पॉइंट हमने ओरिजिन पे क्यू रखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू के कारण, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज यहां पे ले आएंगे। मान लीजिए ये आर दूरी पे है, पोजिशन वेक्टर इसका आर है, तो फोर्स क्या काम कर रहा होगा, फोर्स हमारे पास है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, क्यू वन में एक क्यू है एक क्यू जीरो है और ये आर वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम, ई बाय एफ बाय क्यू जीरो, क्यू जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्यू जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको के क्यू बाय आर स्क्वायर आर क्या ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो ये फिगर है ये आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के कारण दो डायमेंशन में, हम फील्ड वैक्टर से दिखा रहे हैं इसको। यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें, यानी क्यू आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो डायरेक्शन जो है फील्ड वेक्टर का वो रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन अगर क्यू आपका लेस देन जीरो है तो वो रेडियली इनवर्ड है। जो लेंथ है इन एरो का वो यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा है बड़ा है, यहाँ आगे चलते चलते छोटा हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर छोटा है आगे चल के बड़ा हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप पास आते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बढ़ती रहेगी, और जैसे आप दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती रहेगी। एक चार्ज है 10^-9 कूलम, इसको लोकेट किया गया, रखा गया एक ओरिजिन पे, यहाँ पर ओरिजिन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एक और दूसरा चार्ज आपका है क्यू, जो आपको इस जगह पे ये वाला दूसरा चार्ज क्यू जिसका पोजीशन वेक्टर है 2, 0, 0 यहाँ पर रखा गया। यदि एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे 3, 1, 1 पे इस पी पे जीरो है, आपको इस क्यू की संख्या निकालनी है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो चार्ज दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं क्यू, हमको बताया गया है कि यहाँ रखा गया 0, 0 पे, हमको एक और चार्ज कैपिटल क्यू दिया है वो 2, 0, 0 पे रखा हुआ है, तो जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पी के वो 3, 1, 1 है यहाँ पर, तो हमको आर वन वैक्टर निकालना है, मतलब तो यहाँ से यहाँ तक वैक्टर निकालना है, तो ये 0, 0 है तो 3-0, 1-0 और 1-0, यानी कि जो आर वन वैक्टर है, यानी कि ये इस वैक्टर को निकालना चाहें तो ये आपका 3, 1, 1 आएगा, क्योंकि 3 इसको माइनस करेंगे, एक एक एलिमेंट को एक से माइनस कर देंगे, इसको हम अगर वैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 3i+j+k आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो 3² + 1² + 1² अंडर रूट कर दीजिएगा, अंडर रूट 11 आ गया। इसी तरीके से आपका आर टू वैक्टर है, जो आर टू वैक्टर है वो यहाँ से यहाँ तक ना, यहां से यहां तक, तो ये कैसे होगा, 3-2, 1-0, 1-0, यानी 1 और 1 और 1 आ जाएगा, इसको हम आई जे के मतलब वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो 1² + 1² + 1² अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 3 आ गया आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे क्या होगी, इसके कारण और इसके कारण होगी, यानी E1 + E2, E1 आपका होगा, आप जानते हैं E होता है F बाय Q, है ना, तो क्यू जो भी यहाँ पर आप पहले वाले में मान लीजिए E = F/Q, पहले वाले में ये क्यू आएगा, दूसरे वाले में भी क्यू आएगा, लेकिन फोर्स चेंज होगा, फोर्स होगा K Q1 Q2 / R1 2, तो पहले वाले में तो स्मॉल क्यू आएगा, दूसरे वाले में कैपिटल क्यू आएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट चार्ज है वो तो कैंसिल हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दी जाती है, दोनों को जोड़ दीजिए। अब आपके पास क्यू की संख्या है, ये आपके पास कैपिटल क्यू की संख्या है, ये क्यू की संख्या आपके पास ये है, क्यू की संख्या ये है, कैपिटल क्यू की संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन आर वन और आर टू की जरूर पता है, ये आर वन आर टू, और इनके मैग्नीट्यूड भी पता है, वो भी लिख लीजिए आप। अब ये बराबर जीरो करना है हमको, क्यों? क्योंकि हमको इस पॉइंट पे ई एक्स इस पॉइंट पे जीरो बताया गया है, दोनों को जोड़ के हम जीरो कर लेंगे और उसके बाद हम क्यू की संख्या निकाल लेंगे जो कि इतनी कुल लंबाएगी। चार पार्टिकल जिनके सबके जो चार्ज है वो क्यू है, इनको चार वर्टिसेस में रखा गया है, एक रेगुलर पेंटागन के, पेंटागन के एक पॉलीगन होता है जिसके पांच साइड होते हैं, जो डिस्टेंस है हर एक कॉर्नर का सेंटर से वो आपका ए है, यहां से ए है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, इस पॉलीगन के सेंटर पे। तो मान लीजिए ये जो चार्ज रखे गए वो कहाँ कहाँ निकाले गए, रखे गए क्यू पे, ये क्यू ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, चार जगह हमने रख दी। अब हम क्या करते हैं, एक ई पे हम एक चार्ज रखते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जो फील्ड है इस पॉइंट ओ पे विल बी जीरो इस सिमेट्री से। अगर हम मान लीजिए यहाँ क्यू रख देते हैं तो क्यू 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 हो गया सिमेट्री से इस जगह पे, क्योंकि पॉलीगन पेंटागन रेगुलर पेंटागन बताया गया है तो सिमेट्रिक है। इसका मतलब ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी प्लस ई ई ले और सेंटर पे अगर आप खड़े हो गए और ये जो चार्ज क्योंकि बाकायदा रेगुलर पेंटागन पे रखे हुए हमने यहाँ एक और रख दिया तो हमारे पास इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ई ए ई बी ई सी और ई डी बराबर हम इसको इधर कर सकते हैं, यानी कि माइनस ई ई आ गया। तो जो फील्ड है सेंटर पे ए बी सी डी के कारण वो बराबर होगी और जितना इसको जोड़ेंगे वो उसके बराबर होगी ई के और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो फील्ड है सेंटर पे जो ई के कारण आ रही है वो क्या है, ई के क्यू बाय ए स्क्वायर है ना अलॉन्ग ई ओ। ठीक, आपको ई का पता होना चाहिए, ई होता है एफ बाय क्यू और एफ होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, क्यू वन क्यू टू इसमें बराबर है तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो एफ बाय क्यू कर देते हैं, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया, आर इसमें ए है तो के क्यू बाय ए स्क्वायर आ गया। तो यही चीज हमने यहाँ लिख दी। अब जो फील्ड है ओ पे ए बी सी डी के कारण क्या आएगी, वो भी यही रहेगी है ना। ये हम इधर से लेके आए, ध्यान रखिएगा जो ई फील्ड है वो उसी को हमने यहाँ दिखा दिया है, बस डायरेक्शन इसका ओई डायरेक्शन होगा, ये अलॉन्ग ही होगा, ये इसका आंसर भी यही हो गया। चार इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी चार इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हमने रखा स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, दो प्लस वाले ये हो गए, दो नेगेटिव वाले ये हो गए। जो लेंथ है स्क्वायर का वो हमको ए दिया हुआ, ये आपका लेंथ है स्क्वायर, सभी साइड बराबर होंगे। आपको इंटेंसिटी निकालनी है जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस सेंटर पे, इस जगह पे वो क्या होगी इनके कारण, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो इक्विडिस्टेंट है ओ से, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस डिस्टेंस आपके इक्विवेलेंट है स्क्वायर से। तो जो मैग्नीट्यूड होगी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन सारे चार्जेस के कारण वो बराबर होगी ओ पे, ये तो क्लियर हो गया। जो आर है वो बेसिकली डिस्टेंस है कहां से, वर्टिसेस का सेंटर से, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है। तो हम ये कह रहे हैं कि ई ए ई बी ई सी ई डी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ 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 वो आपकी के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी, क्योंकि आर डिस्टेंस हम ले रहे हैं सेंटर से ले रहे हैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहा है, ये डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है इस तरीके से। अब जो ई डैश है ये वाला वो रिजल्टेंट हम फील्ड ले रहे हैं इस ई ए और ई सी के कारण, ई और इसी कारण, तो वो इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा है ई ए प्लस ई सी। तो ई ए प्लस ई सी क्या होगा, ये आप ले लीजिए ट्वाइस कर दीजिए इसका। इसी तरीके से आप इस पे आइए ई बी और ई डी, इस पे रिजल्टेंट क्या है इस डायरेक्शन में जा रहा है ई बी प्लस ई डी, यानी कि टू ये एक है ना प्लस जोड़ दीजिए टू इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो ये प्लस ये होनी चाहिए, ये तो हमने इन दो का निकाला इन दोनों का निकाला, रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ई प्लस, फाइनल निकालना हो तो इन दोनों को स्क्वायर करिए और
प्लस करके अंडर रूट कर दीजिए, क्योंकि एंगल जो ई और ई डैश के बीच में है यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि इस तरीके से बन रहा है। ये जो है आपका एक, हम कह रहे हैं कि भाई ई डैश है, एक डी ई डबल डैश, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वो ई होगा, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, वही हमने यहाँ पर किया, मतलब ये स्क्वायर लिया, दोनों को जोड़ के स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट यूज करिए, ये वैल्यू आ गई। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, इस फिगर में जो आर के बारे में बात हो रही है, आर स्क्वायर, आर कितना है, या ये कहिए कि टू आर स्क्वायर कितना है, ये आपका ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, और ये कितना है, टू आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी टू आर किसके बराबर हो गया आपका, ये ए स्क्वायर, या इसको यहाँ से आ लीजिए, ऐसे करिए यहाँ से आ लीजिए, क्योंकि बेसिकली हम इनके बीच में तो बात कर रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आर बोल रहे हैं, ये भी आर बोल रहे हैं, टू आर स्क्वायर के बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे हमारा आर निकल के आ जाएगा ए बाय अंडर रूट, इस आर की जगह आप ये ए बाय अंडर रूट को रिप्लेस कर दीजिए, यही वैल्यू हो जाएगी आपकी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और जो डायरेक्शन है ई की वो आपके ए और डी इसके पैरेलल होगी, या फिर बी सी के पैरेलल होगी, बी और सी या ए और डी के पैरेलल होगी। इलेक्ट्रॉन है जो गिर रहा है, एक डिस्टेंस उसका 1.5 सेंटीमीटर है स्पेस में, ग्रेविटी नहीं लग रही है, और उसका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आपको दिया हुआ है, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उसको रिवर्स किया गया, मैग्नीट्यूड सेम रखा गया। अब जहां पर एक प्रोटॉन फॉल कर रहा है इसी डिस्टेंस में, पहले इलेक्ट्रॉन फॉल है, अब प्रोटॉन है, आपको बताना है टाइम कितना लिया गया इन दोनों द्वारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और ई जो चार्ज दिया है वो आपको दिया हो। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, इस इन फिगर्स में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ऊपर है, वर्टिकली अपवर्ड, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स ई इंटू कैपिटल ई, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ इंटू एफ बाई क्यू, अगर इलेक्ट्रॉन है तो एफ बाई ई, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ई इंटू ई, ये फोर्स इसको लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ इक्वल टू एम ए लगा दीजिए सीधा, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ बाय एम, एफ हम ई ई कह रहे हैं, बाय एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो ये गिरा था, फोर्स भी आ गया आपके पास, ये चार्जिंग भी मिल गई, जो फोर्स अब हम इक्वेशन मोशन लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, और मान लीजिए इसने एच डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस डी को एच बोल देते हैं, तो टाइम कितना आ जाएगा इसका, इसी में रखेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, अंडर रूट, इसको एच मान लिया हमने ये वाले को, तो टू इंटू एच बाय ए ई, ए ई की जगह ये रख दीजिए, तो आपका आएगा टू एच एम ई बाय ई इंटू ई। अब जो जो वैल्यूज हैं वो आप इसमें रख दीजिए, हमारे पास टू एच एम ई और ई ई, क्योंकि डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ना, बाकी चीज़ें भी दी हुई है, हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.9 नैनो सेकंड आएगा इसका। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, जो प्रोटॉन एक्सपीरियंस कर रहा है उसका भी फोर्स ई इंटू ई होगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी इसका यही होगा, सेम चीज़ करेंगे एच इक्वल टू टी पी, बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे, बस मास प्रोटॉन का डाल देंगे यहाँ, क्योंकि चार्ज दोनों के सेम है, तो ये आपका आएगा 0.13 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए जो टाइम लिया गया हैवियर पार्टिकल द्वारा वो ज़्यादा है, जो टाइम लिया गया लाइटर पार्टिकल द्वारा का, सेम मैग्नीट्यूड है चार्ज का, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक और पार्ट देखा हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के बारे में, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।